हाय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आपके साथ मैंने ये एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि कनाडा ने काफी सारे स्टूडेंट्स के वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए। वीजा एप्लीकेशन नॉट इन द सेंस कि अभी उनको कनाडा ट्रेवल करना था, उनकी रिजेक्शन हो गई। 700 स्टूडेंट्स का रिजेक्शन जो लगा है वो वहां पर ना सिर्फ पहुंचने के बाद, वहां पर पढ़ाई पूरी होने के बाद, पीआर फाइलिंग होने के बाद जो है वो उनके रिजेक्शंस ने उनको बुरी तरह से हिला दिया है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये पाया गया कि जब ये लोग कनाडा में आए तो उस टाइम पर इन्होंने किसी ना किसी फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया इन द वीजा प्रोसेसिंग, क्योंकि उन्होंने कनाडा के साथ ब्लफ किया, डिसऑनेस्टी शो की, जिसकी वजह से वो आपको, और वो किस लेवल पर हो सकती है, नकली सर्टिफिकेट्स एजुकेशन रिलेटेड, नकली सर्टिफिकेट आज के जो बहुत मन के चलते हैं, क्या 4-6 महीने पढ़ाई करनी, आज की प्रिपरेशन करनी, क्यों ना 1-2 लाख रुपए लगा के, जहां पर डैडी 20-25 लाख लगाएंगे, 1-2 लाख और लगा के आज का सर्टिफिकेट ले देंगे। अब आपको पता चलेगा, क्योंकि एक तो रिजेक्शन होता कि यहीं से हो जाता, ओ माय गॉड ये क्या होगा, अब मैं मेहनत करूंगा, और वो क्या हुआ जब 4 साल के बाद आपने जब ये पीआर के लिए अपने हाथ आगे किए कि मुझे पीआर दी जाए, तो उस टाइम पर उन्होंने आपको ऐसा थमाया डॉक्यूमेंट कि अब उधर घूम जाओ और अब घूमकर कनाडा की तरफ देखना अभी मत। मैं आपके साथ एक ऐसा और न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब ऑस्ट्रेलिया भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेने जा रहा है, तो थोड़ा संभल जाइए। हर बार आप डॉक्यूमेंटेशन करें तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंट पर रिलाय ना करें। वो आपकी फाइलिंग के चक्कर में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसने अपना बिजनेस देखना है, लेकिन आपने अपना फ्यूचर देखना है। आपकी ऑफर लेटर, आपकी GIC, हर एक चीज को खुद आप वेरीफाई करेंगे। डरते मत रहिए कि ओ मैं कॉलेज को कॉल करूंगा, वहां से तो गोरी बोलेगी, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं बात कैसे करूंगा। अगर आपको उस दुनिया में जाना है, आपने आर्ट्स किया है, आपको जस्टिफाई करता है कि आपके पास लैंग्वेज एबिलिटी है, तो बात करनी सीखो। अभी अपनी पॉकेट में से मैं ये फोन निकालने जा रहा हूं जिसे मैं आपके लिए रीड करने जा रहा हूं ये न्यूज के, आफ्टर कनाडा ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स वीजा एप्लीकेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब हरियाणा। ये पंजाबीज और हरियाणवीज जो है नंबर एक पे रहते हैं जब भी ऐसा कोई काम होता है, और इन 700 स्टूडेंट से मेजोरिटी जो है वो पंजाबी स्टूडेंट है। इन अनदर मेजर शॉक फॉर इंडिया, इंडिया को एक और झटका लगा है। द ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज एंड यूनिवर्सिटीज हैव रिपोर्टेडली रिजेक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा। अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन टूडे रिपोर्ट साइटिंग टाइम्स हायर एजुकेशन, some universities and vocational course providers have instructed their agents to stop processing the application form of students from these two northern states. From नहीं आएगा, इसने गलत लिख दिया कि उन्होंने अपने एजेंट्स को वार्न कर दिया कि इन दो स्टेट से बड़े संभल के चलो या applications लेना बंद कर दो। The report added that Australian officials from the Department of Home Affairs had warned international education operators about soaring number of low quality applications. Soaring, और ये जो भी IELTS कर रहे हैं वो वर्ड याद रखे, क्योंकि टास्क वन में हम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नंबर में उनके पास लो क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन आ रहे हैं, और आपको पता है जिसका कनाडा के वीजा एप्लीकेशन में रिजेक्शन आई तो एजेंट वो कहता आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करो जी, ऑस्ट्रेलिया का वीजा चांसेस बहुत हाई है, अब 5.5 अगर 1 में या 2 में कम है, रहने दो आप कनाडा के लिए, क्या दोबारा मेहनत करोगे, आइल्स करोगे, हम पंजाबी मेहनती वैसे नहीं होते, आइल्स करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए नए नए लड्डू बना रहा है जो आपको अभी खिलाएगा। अर्लियर इन मार्च ऑस्ट्रेलियन PM एंथनी एल्बनीज अनाउंस्ड दैट इंडियन डिग्रीज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन हिज कंट्री। पहले तो वो रिकॉग्नाइज करने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये तो एक्सेप्टेंस कर ली कि हमारे डिग्रीज को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इफ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट हु इज स्टडिंग और हैज स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया, योर हार्ड एंड डिग्री विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन यू रिटर्न होम, और इफ यू आर अ मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वेरी लार्ज इंडियन डायस्पोरा 500,000 एंड ग्रोइंग, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट दैट योर इंडियन क्वालिफिकेशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मीनवाइल The Canadian authorities has reportedly asked more than 700 Indian students
टू रिटर्न टू इंडिया इन फेक एडमिशन ऑफर लेटर्स। ये काफी लंबी न्यूज है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि मुझे कहाँ तक आपके लिए रीड करना है। व्हाट आई विल डू, आई जस्ट प्रोवाइड यू द लिंक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आप प्लीज उस लिंक पे जाके पूरा न्यूज रीड कर लेना, कुछ और भी इंपॉर्टेंट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए। लेकिन ऑल आई कैन से इज दैट आप अपनी प्लीज एक बहुत स्ट्रांग एंड पॉजिटिव फाइल ही जो है एम्बेसी में सबमिट करवाएं। और वो कौन से दो बेसिस पे हो सकती है? फॉर क्रेडेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एट द सेम टाइम फाइनेंस। अगर ये दोनों आपके अच्छे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तभी एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अदरवाइज पैसे का भी लॉस होता है और काफी तरह से आप इमोशनली भी हर्ट होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं विद मोर अपडेट्स रिलेटेड टू द आईएलटीएस।